हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो पोयम हम कवर करने जा रहे हैं, उस पोयम का नाम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, और जिसे कंपोज किया है स्वामी विवेकानंद जी ने। आज का दिन बहुत खास है। आज 12 जनवरी, आज ही के दिन विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 1863 में, यानी कि करीब आज से लगभग 150 साल पहले। दोस्तों, ये पोयम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है। इस पोयम को अगर एक बार आप पढ़ लो तो बहुत सारे प्रश्नों का जवाब इस पोयम में छिपा हुआ है। जब भी आप इस पोयम को पढ़ते हो, पोयम को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा कि कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत परेशान होते हैं, और जब हम ये सोचते हैं कि ये सारी परेशानियाँ हमें ही क्यों हैं, मुझे ही क्यों हैं ये सारी परेशानियाँ, उस टाइम पे ये पोयम आपको जवाब देगी कि क्यों ये सारी परेशानियाँ भगवान आपको भेज रहे हैं। बहुत बार हम भगवान को कोसते हैं कि भगवान आप मुझे ही क्यों परेशान कर रहे हो, क्या मैं ही आपको मिला हूँ परेशान करने के लिए। उस टाइम पे जब आप इस पोयम को पढ़ते हो तो इस पोयम में उन सभी बातों का जवाब छिपा हुआ है। इस पोयम को स्टार्ट करने से पहले चार लाइन में रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता को भी पढ़ना चाहूँगा कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विग्रोह को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। दोस्तों, ये जो पोयम मैंने अभी पढ़ी, चार लाइन जो पंक्तियाँ जो मैंने पढ़ी, वो बिल्कुल सटीक बैठती है इस पोयम के साथ। जो विपत्ति है वो कायर को ही परेशान करती है, बहादुर तो उसका डटकर सामना करते हैं, बहादुर थोड़ी घबराते हैं विपत्तियों से। तो कुछ इस तरह की ये पोयम है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोयम को। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलो, सबसे पहले लिखा गया है द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल। देखो, आप हुड वाली जैकेट पहनते हो, है ना, कैप वाली जैकेट, उसको हुडी जैकेट बोलते हो, हुडी बोलते हो या हुड बोलते हो, ठीक है। तो जो घायल सांप है, वुंडेड का मतलब घायल, जो घायल सांप है वो अपने हुड को अनफर्ल करता है। अनफर्ल मतलब होता है जैसे आप फ्लैग अनफर्ल करते हो, उसी तरह से जो घायल सांप है वो अपने हुड को यानी कि फन को बिल्कुल फैला लेता है जब वो घायल होता है। जो फ्लेम होती है, फ्लेम मतलब गैस की, फ्लेम को आप लो या ज्यादा करते हो ना, तो फ्लेम नॉर्मल ज्वाला जो आप कह रहे हो, थोड़ी सी लो है ना, उसको अगर कुरेदा जाए, स्टिर किया जाए, स्टिर मतलब कुरेदना, झकझोरना, वो और भी ज्यादा ब्लेज, ब्लेज मतलब प्रचंड आग में बदल जाती है। द डेजर्ट एयर, जो रेगिस्तान है, वो गूंज उठता है आवाज से, द कॉल्स आवाज से, ऑफ हर्ट स्ट्रक मतलब घायल शेर के गुस्से से। यानी कि इन लाइन में ये कहा जा रहा है कि अगर घायल सांप है तो वो अपने सबसे पावरफुल पोजीशन में होता है, उससे स्ट्रांग पोजीशन नहीं होता है जब वो बिल्कुल फन निकाल कर आपके सामने खड़ा हो, है ना। तो दैट इज कॉल्ड कि वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल, और जो ज्वाला है, जो लपटे हैं, वो प्रचंड आग में बदल जाती हैं जब उनको कुरेदा जाए, और जो रेगिस्तान है वो भी गूंज उठता है घायल शेर के आवाज से, जब वो शेर जो है घायल हो और जब वो दहाड़ता है तो उस आवाज से भी वो गूंज उठता है डेजर्ट एयर। द क्लाउड, और जो बादल है वो पुट फोर्थ, पुट फोर्थ का मतलब होता है सामने रखना, द क्लाउड पुट फोर्थ इट डिल्यूज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, और कैसी ताकत, डिल्यूज, डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़। तो जो बादल है वो सामने रख देता है अपनी उस बाढ़ वाली ताकत को, मतलब जितनी उसके पास ताकत होती है वो एकदम सामने ला के रख देता है। वेन, जब लाइटनिंग, जो बिजली की चमक होती है, प्लीज, प्लीज का मतलब स्प्लिट कर देना, मतलब चीर देना, इट्स ब्रेस्ट, जब बादल जो है ना, जब लाइटनिंग जो है बादल के ब्रेस्ट को क्लीव कर देता है, मतलब पूरी तरह से फाड़ देता है, उस समय बादल घबराता नहीं है, वो अपनी पूरी ताकत लगा के सामने खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार व्हेन द सोल इज स्टिर टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, जब आत्मा को बिल्कुल अंदर तक कुरेदा जाता है, स्टिर टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, जब एकदम डीप बिल्कुल अंदर तक कुरेदा जाता है, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, जो महान लोग होते हैं वो अपना बेस्ट लेकर चले आते हैं। तो ये जवाब था कि जब भी ये जो भी ऊपर एग्जांपल दिए गए उसमें ये बताया गया कि जब भी उनको परेशान किया जाए तभी वो अपनी बेस्ट पोजीशन में आते हैं, तभी वो अपने सबसे जो उनके अंदर सबसे बेस्ट होता है वो लेकर आते हैं। इसी तरह से जब हम इंसान को, जो मतलब हम इंसान है, जो मानव जाति है, उसको जब सबसे ज्यादा परेशान किया जाए, सबसे ज्यादा विपत्तियों का पहाड़ जब उसके ऊपर टूट जाता है और जब उसके पास कुछ भी नहीं होता है, तभी वो सबसे अपना बेस्ट करता है, ये विवेकानंद जी कहना चाह रहे हैं। आगे की लाइनों में कुछ इस तरह बोला है कि लेट आईज ग्रो डिम एंड ईयर ग्रोस फेंट, आंखों को धीमा होने दो और जो कान है ना उनको कमजोर होने दो, एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे, और दोस्ती में धोखा मिलने दो, दोस्ती जो है वो खराब होने दो, फेल होने दो, और प्यार में धोखा मिलने दो। मतलब ये सब बहुत ही कॉमन चीजें हैं, कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि यार मैं उससे, मतलब इतना अच्छा मेरा दोस्त था वो दूर चला गया, ठीक है, और मेरे सामने इतनी बाधाएं आ गई, अब मैं क्या करूं, उसने मेरा साथ नहीं दिया, तो ये सब होने दो। लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंट,
और भाग्य को, फेट मतलब भाग्य, इट्स 100 हॉरर सेंड, उसके 1000 बाधाओं को भेजने दो। जो भाग्य है ना वो अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, बहुत बार आप बोलोगे कि मेरा लक बहुत खराब है, तो उसको होने दो खराब, जितना भी खराब हो सकता है उसको खराब होने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और वो जो क्लॉटेड डार्कनेस है, जो अंधेरे का थक्का बन गया आपकी आंखों के सामने कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना है, उसने आपका रास्ता रोक रखा है, ब्लॉक द वे, तो उसको रोकने दो, उस अंधेरे को आपका रास्ता रोकने दो। जब आप बोलते हो कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार कि मैं क्या करूं आगे, तो वही है, वो क्लॉटेड डार्कनेस है, उसको आपका रास्ता ब्लॉक करने दो। एंड नेचर वोर वन एंग्री फ्रोन, फ्रोन का मतलब है अपनी भौहें चढ़ा लेना, त्योरिया चढ़ाना, तो जो नेचर है ना उसको आपके ऊपर नाराज होने दो, प्रकृति को आपसे गुस्सा होने दो, टू क्रश यू आउट, ताकि वो आपको कुचल कर बिल्कुल कुचल दे, है ना, टू क्रश यू आउट। स्टिल नो माई सोल, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं मेरे बच्चों, मेरी आत्मा है ना ये सब कुछ जानती है, यू आर डिवाइन, तुम दैवी हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम दैवी हो। मार्च ऑन एंड ऑन, नॉर राइट नॉर लेफ्ट बट टू द गोल, आप आगे बढ़ते रहो, न लेफ्ट में न राइट में, सिर्फ अपने गोल की तरफ। तो बहुत ही दिल के करीब है ये पोयम। इस पोयम में बहुत साफ साफ बोला गया है कि जब आपके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट जाए तो बस घबराना नहीं, आप समझ लेना कि बहुत ही बेस्ट निकल कर आने वाला है आपके पास से। आप बस अपना प्रयास करते रहो, अपने सामने देखते रहो, और आपको लेफ्ट राइट कुछ नहीं सोचना है, जो सही रास्ता आपको लग रहा है उस रास्ते पे सिर्फ चलते रहो, और आप सबसे बेस्ट रिजल्ट उस टाइम पे दोगे जब आपके ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबत होगी। दोस्तों आई होप कि ये पोयम आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट किसी सेशन में फिर हम किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।